चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई है। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए, उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो, मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं व्यक्तिगत जब भी मिला हूं सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए, एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले फिर सब काम में लगे, ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी, क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो। पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची, कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करे भाई एक ही मतदाता, और मैं बता दो पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं है, क्योंकि वहां एक एक वोट की कीमत होती है, 30-40 वोट से हार जीत होती है। अगर वो मतदाता सूची हमारी मतदाता सूची में कभी समस्या ही नहीं आएगी। उसी प्रकार से पोलिंग स्टेशन मतदाता को हर बार याद करना पड़े, मेरा उसको पता होना चाहिए तुम्हारा पोलिंग स्टेशन यही स्कूल का है, वो कमरा है तुम्हारा हमेशा। ये व्यवस्था क्यों विकसित नहीं हो सकती? और इसलिए इलेक्शन के रिफॉर्म्स अनिवार्य है, कर तो होने रहने चाहिए, लेकिन हम ये मान के चले। अच्छा, हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये 92 गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है, और आप आज उस विरोध, कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं जिस तर्क में कोई दम नहीं, कहते मतदाता ये कैसे निर्णय करेगा। अभी उड़ीसा सबसे बड़ा उदाहरण है, उड़ीसा में ग्रामीण इलाका ज्यादा है, उड़ीसा एकदम बहुत ही विकसित और ऐसा तो राज्य नहीं है भारत के, जो जिन राज्यों को अभी भी विकास के राह में लाने के लिए मेहनत करनी पड़े ऐसे राज्यों में से वहां के मतदाताओं ने लोकसभा के लिए एक मतदान किया, विधानसभा के लिए दूसरा मतदान किया। इसका मतलब हमारे मतदाताओं को एक ही समय विवेक बुद्धि का पूरा है। मैं तो कुछ तो सीटें ऐसी है कि जहां नीचे की सारे असेंबली सीटें विधानसभा में गई बीजेडी को और लोकसभा उन्होंने बीजेपी को दी। ये मैच्योरिटी हमारे देश में, हम उनका अनादर कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये कैसा भ्रम फैलाया गया है कि अगर 7 चुनाव होंगे तो रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी। जहां जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 7 हुए हैं उस सब जगह पर प्रादेशिक पक्ष जीते हैं, देख लीजिए इतिहास पूरा, प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। अभी आंध्र का चुनाव हुआ, प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया, उड़ीसा का चुनाव हुआ, प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया। देश के मतदाताओं के समझ आए, हम उनकी समझ पर शक न करें, और इसलिए इस प्रकार के जो हम चर्चा के बाद नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन हम पहले से तक ये बिल्कुल नहीं, हम नहीं घुसने देंगे, ये तरीका लोकतंत्र में नहीं होता है। खुले मन से बात होनी चाहिए, हर प्रयास का स्वागत होना चाहिए, प्रयास के अंदर हम अपनी भूमिका बतानी चाहिए, लेकिन हम पहले से ही दरवाजे बंद करें तो कभी बदलाव नहीं आता है। और भारत के मतदाता का नीर क्षीर विवेक जो है उस पर हम कभी भी शक न करें, ये मेरा मत है।